इन सभी अतिथियों से निवेदन है, जो वेब 23वां सम्मेलन की जो स्मारिका बनी है उस स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें। जैसे इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इसमें 109 शोध पत्रों का पब्लिश हुआ है। इसके अलावा और भी 8 शोध पत्र हैं जिनका उसमें एक रिपोर्ट नहीं हो पाया था। बिना किसी भूमिका के मैं निवेदन करना चाहूँगा, IGNCA के आदरणीय मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर शशिदान जोशी जी से अपने आशीर्वाद से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर जोशी जी, जो कि वाइडर एसोसिएशन फॉर वैदिक स्टडीज वेव्स और नारी संवाद प्रकल्प IGNCA द्वारा आयोजित है, इसके उद्घाटन सत्र के अवसर पर मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वान, हर एक का नाम लेने तो थोड़ा समय उसमें चला जाएगा, मैं अत्यंत आदरपूर्वक आप सभी को यहाँ पर नमन करता हूँ और सभागार में उपस्थित सभी सम्माननीय विद्वान देवियों सज्जन। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं विलंब से आया, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मुझे कोची जाना था और अंकों का संयोग है, ये 23वां वेव्स का कॉन्फ्रेंस है और कोची में 23वां अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला था। वहाँ पर वो पिछले कुछ वर्षों से एक पुस्तक मेले के साथ एक साहित्य उत्सव का भी आयोजन करते हैं और हम लोग पिछले 3 वर्षों से वहाँ पर लगातार जा रहे हैं, उनका बहुत आग्रह था और केरल की जो परिस्थितियाँ हैं वो हम सबसे छुपी नहीं हैं, इसलिए आयोजकों का आग्रह था कि भले ही कुछ समय के लिए ही सही आप जरूर आइए। तो कल सुबह 3 बजे मैं उठ के गया था, आज सुबह 3 बजे उठ के फिर मैं वापस आ गया, तो कुछ घंटे की नींद मेरे जैसे अदने से कर्मचारी के लिए भी ज़रूरी है ऐसा मैं मानता था, इसलिए मैंने क्षमा याचना की कि मैं थोड़ा देर से पहुँचा। ना तो मैं वेद का ज्ञाता हूँ ना मैं संस्कृत का ज्ञाता हूँ, इसलिए पहले ही मैं सभी विद्वानों से मंच पर क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा होगी उसमें निस्संदेह मेरे जैसा अल्प ज्ञानी और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ बहुत ज़्यादा जोड़ सकेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन चूँकि इसका संदर्भ वैदिक ज्ञान संपदा एवं नारी से है, इसलिए मुझे लगता है कि ये विषय शायद मेरे लिए ही नहीं, हम सब के लिए, पूरे भारतीय समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी हाल के समय में अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं तो भारत में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसको देख के ऐसा नहीं लगता कि भारत में कभी परंपरा से हम लोग नारी शक्ति की पूजा इस तरह से करते रहे। ऐसा भी नहीं समझ में आता कि जिस पूरी भूमि पर कभी देवों का वास था और हम कहते हैं कि वेदों की परंपरा विश्व में सबसे पुरानी परंपरा है, उस भूमि पर ऐसा दानवों जैसा व्यवहार और दानवों जैसा व्याभिचार कैसे संभव है? हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए इस बारे में सोचना पड़ेगा, और इसलिए ये बात मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित करती थी कि मैं यहाँ आकर आपके बीच में कुछ बोलूँ। ये बात बिल्कुल सही है कि वैदिक परंपरा का पूरे विश्व में कहीं कोई सारी नहीं है, वेदों की रचना किस काल में हुई इस संदर्भ में विद्वानों के मत हो सकते हैं, लेकिन
मत विभेद भी हो सकते हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि ये परंपरा 3000 साल से भी पुरानी परंपरा है और शाश्वत है। और जैसा अभी सम्माननीय वक्ता ने कहा कि वैसी चली आ रही है, न कोई कॉमा फुल स्टॉप का भी फर्क हुआ है, न कहीं कोई मात्रा ही बदली है, और जैसी परंपरा थी वैसी ही चली आ रही है। तो जिस देश में शास्त्र की इतनी शाश्वत परंपरा हो और जिस देश में शास्त्र का ऐसा शाश्वत सम्मान हो, उस देश में नारी का ऐसा अपमान कैसे हो सकता है? ये प्रश्न हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। हमारे अकादमिक पर्चों में पहले के काल में जो सभी विदुषी रही हैं, उन सभी विदुषियों के बारे में चर्चा हो और उन सभी विदुषियों के वैदिक काल के संबंध में योगदान की चर्चा हो, ये बात तो बिल्कुल जायज है। लेकिन हमको इस बात पर भी बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि क्या उस सारे योगदान को और क्या उस सारे अवदान को हम आज के संदर्भ में कहीं वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचा पाए हैं। अगर इस वैदिक कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य सिर्फ पर्चा लिखकर एपीआई स्कोर अर्जित करना होता तो मुझे लगता है कि शायद वो सब बातें अपनी जगह सही होती। लेकिन मुझे बार बार लगता है कि ऐसी तमाम कॉन्फ्रेंसेस जो विश्वविद्यालय की परिधि के बाहर हो रही हो, और मुझे क्षमा याचना करेंगे दो कुलपति महोदय मंच पर हैं, मैं भी भूतपूर्व कुलपति रहा हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि विश्वविद्यालय की परिधि के बाहर जब इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं या इस तरह के कोई विचार मंथन होते हैं, तो वहां पर हमें हमारे वास्तविक स्वरूप में विचारों के दर्शन को सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। पिछली बार मुझे याद है मैंने थोड़ी तंज सी, थोड़ी तल्ख सी टिप्पणी कर दी थी, आदरणीय शशि जी को शायद बुरा लगा हो, कि 128 पर्चे सबमिट हुए और इस सभागार में 128 लोग भी नहीं थे। तो मैंने कहा कि हम सिर्फ पर्चा प्रस्तुत करने की होड़ में लगे रहे और फिर बाद में सर्टिफिकेट मिल जाए तो उसे लेकर अपने एपीआई स्कोर में जोड़ लें, तो लगता है कि हमारे कर्तव्य की तिथि हो गई। हमें हमारे पर्चे, हमारे पढ़े गए पर्चे या हमारे अर्जित या संचित ज्ञान के माध्यम से हमने समाज को क्या दिया या समाज से हमने क्या लिया, इस बारे में कहीं सोच, कहीं चिंतन, कहीं मंथन हमारे बीच में हुआ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जब कभी ऐसे कोई आयोजन करता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ कोई अकादमिक खाना पूर्ति नहीं है, हमें कहीं कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं करना है कि हमने साल में इतने आयोजन किए हैं। ईश्वर की कृपा से कम कुछ संस्थान ऐसे हैं जहां पर यह अकादमिक स्वतंत्रता है कि हम वही करते हैं जो हमें लगता है प्रासंगिक है, समय की आवश्यकता है, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है और समाज के लिए उपयोगी है। इसीलिए जो संस्कृति का हमारा चिंतन है, जो कला का हमारा चिंतन है, जो शास्त्र का हमारा चिंतन है, ये सभी चिंतन कहीं न कहीं इसी दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास होते हैं। इसलिए जो लोग इस केंद्र से नजदीक से जुड़े हैं या जिन्होंने कहीं कोई प्रकल्प यहाँ पर किया होगा, उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा कि हमारे यहाँ कहीं कोई फॉर्मेट नहीं है जिसमें आपको प्रोजेक्ट प्रस्तुत करना पड़ता है। ये स्कॉलर की अध्येता की स्वतंत्रता है, जिस रूप में वो अपने विषय को चाहते हैं प्रस्तुत कर सकते हैं। ये विशेषज्ञों की मेधा है और विशेषज्ञों की बुद्धि है जिससे वो उस स्कॉलर के काम को जांचते हैं। तो उस तरह की अकादमिक स्वतंत्रता इस केंद्र में है और इसलिए प्राय विश्वविद्यालयों में दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये मौसम सेमिनार के मौसम होते हैं, जिसमें सारे प्राध्यापक और कोई काम नहीं करते सेमिनारों में व्यस्त होते हैं। या तो वो कहीं सत्रों की अध्यक्षता करने जाते हैं या कहीं पर्चा पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उन्हें साल के अंत में कहीं ना कहीं अपना रिकॉर्ड देना होता है। विश्वविद्यालय के लोग जानते होंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च को हम लोग सेमिनार का मौसम कहते हैं, तो सारे अध्यापक सेमिनार में व्यस्त होते हैं, बच्चे अपना गाइडों से पढ़ाई करते हैं और अध्यापक सेमिनारों में पर्चे पढ़ते हैं। और ये सारे पर्चे दुर्भाग्य से सेकेंडरी सोर्सेस पर आधारित होते हैं, उसमें से कहीं किसी नए ज्ञान का मंथन नहीं होता। पुराने माल को रीपैकेज करके नए पैक में डाल के, नए रैपर में डाल के भेज दिया जाता है और वही चलता रहता है, क्योंकि उससे हमको एक एपीआई स्कोर मिल जाता है। साल में मैंने 10 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस कर ली, 4 नेशनल कर ली, 3 सेमिनार कर लिए, ज्ञान का मंथन कहीं नहीं होता। क्योंकि अगर वास्तविक ज्ञान का कहीं मंथन होता तो हमारे समाज की वो अवदशा नहीं होती जो हमारे समाज की अपेक्षा है। अगर शास्त्र अपनी जगह सही हैं,
अगर हमारा संचित ज्ञान अपनी जगह सही है, अगर हमारे वेद अपनी जगह सही हैं, अगर हमारे वेदों में नारी का महत्व अपनी जगह सही है, तो विचार करना पड़ेगा कि भारतीय समाज की दुर्दशा आज ऐसी क्यों है, उसमें नारी की स्थिति आज ऐसी क्यों है। वेव्स की ये जो 23वीं कॉन्फ्रेंस है, मुझे लगता है कि 3 दिन के मंथन के बाद अगर कहीं इस तरह के किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है और समाज को इस तरह का कोई दिशा दर्शन देती है, तब मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बैठकर मंथन करने की कहीं सही सिद्धि होगी, हम कहीं सही परिणाम की ओर बढ़ पाएंगे। इस कार्यक्रम में मैं देख रहा था एक बहुत रोचक सत्र है, 2 रोचक सत्र हैं, यंग स्कॉलर्स सेशन 1 और यंग स्कॉलर्स सेशन 2। और मैं ऐसी गणना कर रहा था, सेशन 1 में 20 स्कॉलर्स हैं और सेशन 2 में 24 स्कॉलर हैं, कुल मिलाकर 44 यंग स्कॉलर्स इसमें वेद पे नारी के परिप्रेक्ष्य में चिंता करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि अगर मुझे 100 मेधावान नागरिक मिल जाए, युवा मिल जाए, समर्पित युवा मिल जाए, चरित्रवान युवा मिल जाए, तो मैं पूरे विश्व का नक्शा बदल सकता हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और बहुत अल्पज्ञ हूँ, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर ये 44 स्कॉलर तय कर ले और वेदों में नारी की अवधारणा और भारतीय समाज में नारी के सम्मान के संदर्भ में कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण पर्चा निकाल कर दे सके, तो ये भारत का नक्शा बदल देगा। लेकिन उसके लिए आवश्यकता संकल्प की। भाग्य से हम वर्तमान दौर में एक ऐसे समाज में, ऐसी परंपरा में जी रहे हैं जो सेल्फ एप्रिशिएटिंग सोसाइटी है। हम स्वयं ही लिखते हैं और स्वयं ही खुद को एप्रिशिएट करते हैं। दुर्भाग्य से सोशल मीडिया नाम का जो अनसोशल मीडिया है वो इस काम में हमारी बहुत मदद करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि एक कालिदास थे और दूसरा मैं हूँ, इसके अलावा तीसरा कोई। और इसी तरह हम सबको अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ वो मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन दूसरा क्या कर रहा है या दूसरे ने क्या किया है वो मेरे लिए गौण हो जाता है। इसलिए प्रायः ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में दुर्भाग्य से जो पर्चा पढ़ता है वो अपना पर्चा पढ़ने के बाद चला जाता है, उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि उस सत्र में और कौन कौन से पर्चे पढ़े। यहाँ अगर ऐसा नहीं होता तो मैं क्षमा याचना करता हूँ, अपने कथन को वापस लेता हूँ, लेकिन 99% कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा ही होता है। हम पर्चा पढ़ने की आदत डालें, हम अपना वक्तव्य कहने की आदत डालें, लेकिन दूसरा क्या कह रहा है वो भी सुनने की आदत डालें। दूसरा क्या अपना ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है, कौन सी नई अवधारणा वो आपके सामने ला रहा है, उसको भी जानने का प्रयास करें। भारत हमेशा संवाद की परंपरा का केंद्र बिंदु रहा है, हमारे यहाँ हमेशा संवाद को महत्व रहा है, वाद को महत्व रहा है, हमने हमेशा वाद से श्रेष्ठतम चीजों का निर्माण किया है। इसलिए हमारे सभी ग्रंथ ज्यादातर प्रश्नोत्तर शैली में है, और वो प्रश्नोत्तर शैली भी ऐसी नहीं है जिसमें एक ही पक्ष प्रश्न बहुत मंद बुद्धि से पूछता है और दूसरा पक्ष विद्वत्तापूर्ण उत्तर देता है। प्रश्नोत्तर की बराबरी के प्रश्नोत्तर है, जिसमें प्रश्न पूछने वाला भी उतना ही सक्षम है, उतने ही विद्वत्तापूर्ण ढंग से प्रश्न देता है। तो हमें प्रश्नों से डर नहीं है, हम हमेशा प्रश्न पूछने वाले समाज के रूप में पूरे विश्व में जाने जाते रहे। दुर्भाग्य ये हुआ है कि हमने प्रश्नों के सही उत्तर खोजना छोड़ दिया। अब हम वाद में नहीं पढ़ते, अब हम विवाद में पढ़ते हैं, और फिर वितंडावाद हो जाता। वाद की परंपरा को जीवित करिए, संवाद की परंपरा को जीवित करिए, विमर्श की परंपरा को जीवित करिए। अगर हमारे समाज से संवाद और विमर्श गायब हो जाएगा तो भारतीय समाज और उस पाश्विक विदेशी समाज के बीच में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हम एक स्वस्थ वाद की परंपरा वाले समाज, इसलिए मुझे लगता है कि ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में, ऐसे सेमिनार में हम श्रोता भाव भी अपने अंदर उत्पन्न करें, वक्ता भाव की बजाय श्रोता भाव भी उत्पन्न करें। अगर श्रोता भाव हमारे अंदर आएगा तो मैं दावे से कहता हूं कि 3 दिनों के विचार मंथन के बाद, चूंकि ये समकालीन परिपेक्ष में नारी की बात करता है और
और ये इसलिए बहुत प्रासंगिक है क्योंकि आज वर्तमान दृश्य भारत का नारी के संदर्भ में बहुत अधिक चिंतनीय है, शोचनीय है। हमारे अंदर के जो पाशविक भाव है, मानुषिक भाव है, उन भावों को जन्म देने वाले कौन है और वो भाव कहाँ से निकल के हमारे समाज में इस तरह से फैल जाते हैं, इसके बारे में सूचना बहुत जरूरी है। वो कौन सी ऐसी शिक्षा पद्धति है, वो कौन से ऐसे संस्कार हैं, वो कौन से ऐसे लोकाचार हैं जो समाज में ऐसे पशुओं की निर्मिति कर रहे हैं, इस बारे में विद्वानों का चिंतन जरूरी है। कहीं हमारी शिक्षा में दोष है, कहीं हमारे शास्त्र में दोष है, कहीं हमारे संस्कार में दोष है, कहीं हमारी जीवन पद्धति में दोष है, कहीं हमारे विचार में दोष है कहाँ दोष, इसको तो ढूंढें, उसको ठीक करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि बहुत प्रासंगिक ये विषय आज के दौर में हो चला है और शास्त्रों के आधार पर अगर हम पूरे समाज को कहीं कोई दिशा दर्शन दे पाए तो वो इस पूरे आयोजन की एक बहुत अच्छी और श्रेष्ठतम फलश्रुति होगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ।